में अब लगातार महंगाई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिलहाल देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बना हुआ है। अगर बजट से ठीक पहले आए ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो अक्टूबर 2022 के दौरान ब्रिटेन में खुदरा महंगाई में 11.1% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि 1981 से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। ऐसे में ब्रिटेन की जनता लगातार मांग कर रही है कि सरकार की तरफ से उन्हें राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। दरअसल इकोनॉमिस्ट ने यह उम्मीद जताई थी अक्टूबर में मुद्रास्फीति का आंकड़ा 10.7% रहेगा, हालांकि असल आंकड़ा उम्मीद से अधिक रहा। ONS ने कहा कि महंगाई खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के चलते बढ़ी है। अब इसके बाद फ्यूल और खाने के सामान पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, जिससे आम आदमी की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बजट से एक दिन पहले जारी इन आंकड़ों पर ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में खर्च घटाने और टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले किए जा सकते हैं। गुरुवार को ब्रिटेन में नया बजट पेश होने वाला है, जिससे यहां की जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि हाल ही में हुए G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था कि गुरुवार का बजट यह निर्धारित करेगा कि हम इस देश को सही रास्ते पर कैसे लाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े आर्थिक संकट को दूर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को तकरीबन एक दशक तक इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।